एरे आसकी में चूर हो गया छोरा काल का, बुढ़ा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का। आसकी में आसकी में आसकी में चूर हो गया छोरा काल का, बुढ़ा सीधे सीना बोलिया कर छोरी रे, इस देश की बहनी दुनिया भोरी रे। ले भाई गोबर का काम तो हो गया। वैसे भाई जतिन भाई एक बात बताऊं? हाँ भाई बता। वैसे भाई सही धक्का लग रहा हमारी जिंदगी को। वैसे भाई सही कह रहा, तो घर से घेरता अगर गोबर से नहीं तक सारा दिन यहीं में चला जावे और आवे क्या हमारे। वो साली गोबर ढोते ढोते माए तो शक्ल भी गोबर जैसी होगी यार, ये हमारे हमसे कोई ब्याह भी ना करने का। यह बात तुमने छोड़, पापा के पास चल ले। पापा के पास क्यों? ए यार क्या अपनी जिंदगी गोबर और नियार में बर्बाद करते रहेंगे, आगे ना बढ़े क्या? आगे ना बढ़े? अबे कहना क्या चाह रहा तू? अरे भाई पापा के पास पैसे लेने चल ले, अगले हफ्ते से केबीसी शुरू होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बात कर रहा मेरे भाई, केबीसी वही तो जिसमें अमिताभ बच्चन बोले कौन बनेगा करोड़पति। वही चल ले, वही जल्दी चल। पापा पापा हाँ मैं, हम तुम्हारी औलाद। ए पापा क्या होगा, काहे फटे जा रहे हो? कहा होगा तेरी बहू का ब्याह होगा। भाई ब्याह कर लिया, मुझको बताए बिना। ब्याह मेरा कब होगा ब्याह? ए पापा तुमने कद कराया मेरा ब्याह? आजा चुप रहे, ज्यादा ना बोले करा दूंगा तेरा ब्याह। बोल लगा पापा ने सुई सुई यार, तो पैक लगा ले। पैक वैक की बात ना करना, बस रे पैसे मार मत दो, काम बता कौन गया तो। ए पापा जी काम तो कुछ ना, बस तुम हम देनो ना 200 रुपए दे दो। तेरे बाप ने भी देखेगा भी 200 रुपए ऐसे क्या, तुमने अपनी जिंदगी में 200 रुपए देखे क्या? पढ़ रहे क्या? मैं हूँ तुम्हारा बाप? अरे हाँ, अरे मैं तो हूँ तुम्हारा बाप। पापा कतई नशे वशे में हो रहे क्या? अरे बेटा तेरा बाबा तो वह दिन से नशे में रह, जिस दिन से तेरी बाला आंटी हमारे पड़ोस में आई, अरे मैं तो उस दिन से ही 24 घंटे नशे में पड़ा रहा हूँ। पापा सही खेल गए तुम तो, बाला आंटी भी मम्मी भी किसी को तो छोड़ दो। दो सौ रुपए ले जाओ, 200 ही ले जाओ बस। अरे एक काम करो, जब मोज लो और बात लीक ना हो। पापा 200 रुपए में क्या होना, 200 तो एक ही के है, मेरे कहाँ है? अरे इनमें कर लो काम, चलो। राम की सुहाज तक आया ना हिसाब, उसी दिला जवाब तेरा। भाई ये तो 200 रुपए ही है, इनमें हम कैसे काम करेंगे नू तो बता। ऐसा करिए 100 तू दे, 100 हम मुझे दे दिए, ठीक है ना? 100 में काम करने पड़ेगा, बप्पू को वो भी लाना अपना। भाई पापा से 200 रुपए तो ले लिए, मगर जाएंगे काहे पे? अरे तो जाने की टेंशन ले रहा है, पकड़ ऑडी की चाबी या मैं चले जाऊं। अरे भाई ऑडी की चाबी, अरे हमारे घर में ऑडी कंसा आई। अरे भाई तो को गोबर ढोने से फुर्सत मिले जब तो ऑडी कैसे जाके। अरे भाई यू ऑडी खड़ी कहां है हमारी, इनू तो बता दे। अरे वो खड़ी बस वाले गुट्ठे में लेकर काट गए। इसी बात पर भी लगता हूँ, ले तो ले। भाई मजे आ गए, अब तो करोड़पति बन जाएंगे, केबीसी ऑफिस पहुंच गए, अब तो आएगा बल्ले बल्ले, अब नियार व्यार गोबर सोबर ने मार गोली, अब तो अपन करोड़पति। केबीसी ऑफिस तो पहुंच गए, मगर भाई यू कौन बैठा है बाहर गेट पे? बोलने चल रहे हैं आ तो फिर। अरे भाई तू कौन है केबीसी ऑफिस के सामने बैठा कुछ? मैं कौन हूं? तुम बताओ तुम कौन हो, यहां करने गए हो तुम? यहां हम तो यहाँ केबीसी खेलने आए थे, केबीसी ऑफिस ना आया हूँ मैं, हूँ यहाँ मैनेजर। अगर तुम्हें केबीसी खेलना हो 200 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। 200 रुपए की पर्ची? अबे 200 रुपए तो बप्पू ने सगले दिए, वक्त दे दे भाई। 200 रुपए की पर्ची कटवानी तो बताओ, नहीं तो जाओ इससे। 200 रुपए की पर्ची? चाचा रुक जाओ, अभी छोटा सलाह वेला मिला गया अभी आ रहा। अरे भाई बप्पू ने 200 रुपए तो सारे दिए हमें, और 200 रुपए आपको देगा फिर हमारे पास क्या बचेगा बता यार? हमारे पास तो है भी ना, अब कैसे जाना भाई? जाना तो पड़ेगा हमें भाई, देख तो मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है। इसे साले को मैनेजर को बुला गएंगे को, साले को ऐसे बांध बांध के इंगे फेंक देंगे, चल देंगे केबीसी ऑफिस। इसे क्या पता लग रहा है ऊपर के कर गए नीचे, ठीक है ना? इसे आवाज़ मारा
ओ मैनेजर भाई। हाँ जी, क्या बात है? अरे यहाँ कोई है मैनेजर? यहाँ यहाँ जल्दी। हाँ जी, क्या बात है भाई? यहाँ को आओ एक मिनट, यहाँ को आओ, यहाँ को आओ। ये डायरी सीट होंगे वो देख दो। चुप चुप, एकदम चुप हो जा। तारे दस रुपए की स्वागत है कौन बनेगा रोडपति में। मैं खिताब बच्चन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ए भाई क्या बक रहे, ये स्वागत है रोडपति में? अबे रोड पे से तुम उठ के आए, ये कह रहे स्वागत है रोडपति में, और इनके नाम में भी घपला खिताब बच्चन जी। ए अमिताभ बच्चन के पागल वागल हो गए क्या तुम? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। रोडपति नहीं करोड़पति में आपका स्वागत है, और मैं खिताब बच्चन नहीं अमिताभ बच्चन, मैं थोड़ा सा लटक गया था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा चाहते हैं, लटक गया था। रे अभी से नाम में घपला करने लगे, अभी तो हम करोड़पति बिना वाले देख रहा जाते ना, देख रहा हूँ कितनी देर होते हैं। चलो चलो चलो, जो हुआ सो हुआ, छोड़िए, आइए हॉट सीट पर, आपका विराजमान है। आप लोगों का फिर से कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है। आप दोनों को पता ही होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में कैसा खेला खेलते हैं और कितनी इसमें पाइपलाइन मिलती है। रे बच्चन जी, मोया के बारे में कतई भी नॉलेज ना है, तुम हम दोनों ने शुरू से समझाओ कि क्या क्या मिला है, क्या क्या लाइफलाइन पाइपलाइन मिला है आगे बारे में। बस हम तो मुंह उठा के आगे गोबर गेरते गेरते आएंगे। क्या तुम दोनों को बिल्कुल नहीं पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में लाइफलाइन और पाइपलाइन क्या होता है? हाँ जी हाँ, मैं ना पता कतई भी लाइफलाइन ना पाइपलाइन, पाइपलाइन तो हमारे घर में लगी रहे है जिससे हम भैंसों को निहार विहार पानी वानी पिलावे, और लाइफलाइन लाइफ लाइन तो हमने सिर्फ अपने स्कूल की लड़कियों पे मारी दसवीं में, तभी तो हम दो दफा दिन में खेलों के बैठ गए। देखिए भाई साहब, आप तो ज्यादा ही गवार लगते हैं मुझे, गांव से आए हो? रे भाई गवार बता रहा हूं मैं, रे भाई इसका मतलब जानता ना हूं हमारे बारे में भी लगे तो ऐसी है। तो सुनो, मारे बप्पू ने मारे खत्ती चार थार बांध रखी, अब बुलेट हमने बेच दी। क्या क्या बात कर रहे हैं हम,
आप तो कभी बड़े घर से लगते हो चार थर। अरे और क्या, तू ऐसी मान रहा, उनका निहार हम कर रहे हैं, उनके गोबर ढोवे और उनका दूध पी पी के हम जब ऐसे हो रहे तकड़े गांव के देसी लड़के हैं हम, देसी ठाट जिंदा कह रहे, ऐसी मान रहा। बांध रखी है क्या, थार है क्या, भैंस है जो बांध रखी है? अरे बच्चन जी कहते नाम वाम ना बिगाड़ो उनका, वे थार है मारी थार, नाम सिर्फ हम बिगाड़ सके उनका, हम कह सके उन्हें भैंस, तुम ना समझ गए। चलो तुम नो बताओ थार कथे क्या है, कते क्या है थार तुम्हारी? थार थार तो 16 लाख की आ रहा है। हम नहीं तो कह रहे 16 लाख की मारी भैंस है जो दिन में 4 टाइम दूध दे है, और उनका दूध पी गया जब हम सांडा बिल्ला हो पड़े, और उनका गोबर निहार हम ही करे, और नाश्ते में मिला पापा की गाली सुबह शाम, समझ गए। चलिए चलिए ठीक है, बातें बहुत हुई, चलते हैं खेल की ओर। देखिए भाई साहब, गेम की तरफ ध्यान देते हुए आपके लिए पहला क्वेश्चन 1 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपका डोला कितने इंच का है, और ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 5 मिनट का समय होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है मेरी जान। मतीक के ते पैर यार के सितारा है फल कहना करा है डियार ने मास्टर बीनु पूछा बड़ा। देखिए हमारे पास एक पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन ही है, बता रहा नहीं बता रहा, नप्पन आ जी अभी दूसरा सवाल पूछ लो। चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2 लाख रुपए के लिए आपके सर पर कितने बाल हैं? अबे यू कैसा सवाल है, कहीं पागल वागल तो ना होगा बच्चन तू, तीसरा सवाल पूछियो भी ना पता। देखिए कंप्यूटर जी, इनको दूसरा सवाल भी नहीं आता है, इसलिए तीसरा सवाल इनके लिए अंकित किया जाए। देखिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, मनुष्य के कान का पर्दा कितने अंदर होता है? आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर, 1 किलोमीटर, हमारे खेत जितनी दूर, आपकी भैंस की पूंछ जितना लंबा, या आपके बाल जितनी दूर। अरे धक तेरी की साला, जब से उल्टे सीधे सवाल पूछने मिल रहे हैं, ठीक से पूछने तो पूछ ले ना, तो हम चल ले ठीक है ना। अरे अरे अरे, अरे भाई साहब बैठिए। लास्ट सवाल 10 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको इसके बारे में पता ही होगा, आपकी अभी तक कितनी सेटिंग रह चुकी, आपने कितनी लड़कियों को प्रपोज किया है? जी 3 पे ऑफर मारा, अब 3 दो ना मना कर दी, 7 तो ऑफर मारा, 7 की 7 है अभी तक। ये कहते तू आंदे हो आंगे चलाक रहेगा माया रे दींग तो पैसुते हो वैसे। आपके सवाल का जवाब महोदय, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग जीत चुके हैं 10 लाख रुपए। आपको अच्छे लगे हो तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसे शेयर जरूर करें, और 3 जनों को शेयर करें, 3 जनों को अभी बोलो, 3 लोग यार ज्यादा नहीं होते यार, 3 लोगों करना है बस 3 जनों को कर दो ना यार, बस 3 जनों को देख लो यार गाइस, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को, आज इस वीडियो को बनाने में, और अगली हमारी वीडियो फिर आने वाली है बहुत धुआंधार वाली, कदम का स्वाद आ जाएगा तुम्हें। Love you guys. Bye.